गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था एक्सरसाइज 4B, क्वेश्चन नंबर 3 तक हम कर चुके हैं। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4। देयर इज अ सर्कुलर रेस ट्रैक विच मंजित टेक्स 3 मिनट्स टू रन अराउंड एंड राजीव टेक्स 5 मिनट्स। एक रेसिंग ट्रैक पर रेस हो रही है जिसमें मंजित 3 टाइम लेता है एक राउंड कंप्लीट करने में और राजीव कितना लेता है 5 मिनट्स। बोथ हम देम स्टार्ट रनिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट और दोनों ने सेम पॉइंट से रन करना स्टार्ट किया है एंड एट द सेम टाइम इन द सेम डायरेक्शन। सेम समय में सेम डायरेक्शन में उन्होंने स्टार्ट किया। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम एट द स्टार्टिंग पॉइंट और कितनी देर के बाद फिर वो दोनों सेम उसी स्टार्टिंग पॉइंट पर फिर मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये दिस इज़ वर्ड प्रॉब्लम, तो आपको यहाँ पे स्टेटमेंट बनाना होगा। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसका स्टेटमेंट क्या बनाएंगे, यहाँ पर सबसे पहले मंजीत ने कितना टाइम लिया है, मंजीत टेक्स 3 मिनट्स। और उसके बाद नेक्स्ट वन इज़ राजीव कितना टाइम ले रहा है, राजीव टेक्स 5 मिनट्स। तो कितनी देर के बाद दोनों सेम टाइम पे फिर से एक बार मिलेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, दोनों का सेम टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों का यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे 3 एंड 5। तो स्टार्टिंग हम हमेशा 2 से करते हैं, तो 2 का टेबल इसमें नहीं जाएगा, तो किसका जाएगा, 3 का टेबल 3 में 1 टाइम जाएगा, 5 में नहीं जाएगा, तो 5 एज इट इज़ लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे 3 के लिए 1 आ गया है, अब 5 का टेबल 5 में 1 टाइम, ये 1 एज इट इज़ और ये 1। अब हम क्या निकालेंगे, एलसीएम क्या आएगा 3 एंड 5 का, 3 मल्टीप्लाइड 5 कितना आ गया, 15। तो दोनों सेम टाइम में कितने मिनट के बाद मिलेंगे, 15 मिनट के बाद दे मीट टुगेदर। ओके, तो ये हो गया आपका आंसर। इसी तरह से बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 भी है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7। द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ अ पेयर ऑफ नंबर इज गिवन, व्हाट कुड बी द पेयर ऑफ नंबर्स। यहाँ पर हमें सबसे कम मल्टीपल्स के कितने पेयर बनेंगे वो हमें बताना है। जैसे कि यहाँ फर्स्ट 2 दिया है, तो 2 के कितने मल्टीपल्स बनेंगे, मतलब 2 में किसका किसका टेबल जाएगा, जैसे 1 और 2 का जाएगा, 2 1 जा 1, सॉरी 2 1 जा 2 और 1 2 जा 2, ठीक है, 1 एंड 2। इसमें 3 के क्या बनेंगे, इसमें भी सेम है, 1 3 जा 3 और 3 1 जा 3। इसमें क्या बनेगा, इसके आप 4 1 जा भी कर सकते हैं या 2 2 जा भी बन सकता है, क्लियर, 4 1 जा 4 या 1 4 जा 4 और 2 2 जा 4, ये भी फैक्टर हो सकता है। सेम इसी तरह से 5 के 5 1 जा 5 और 1 5 जा 5। 6 के क्या फैक्टर बनेंगे, 6 1 जा 6 और इस तरह से 6 1 जा 6 भी हो सकता है या 3 2 जा 6 या 2 3 जा 6, इस तरह भी हो सकते हैं, क्लियर स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको इसी तरह से करना है। ओके क्लास, तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 4 भी कंप्लीट होती है। ओके क्लास, थैंक यू।